देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम फिजी में सीखेंगे कि फिजिकल स्टॉक क्या है और फिजिकल स्टॉक होता क्या है। एक्चुअली फिजिकल स्टॉक का मतलब ये होता है स्टॉक को मेंटेन करना ही फिजिकल स्टॉक कहलाता है। क्या होता है फिजिकल स्टॉक, मैं भी आपको बताता हूँ। फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है, देखिए दो तरीके से स्टॉक मेंटेन करते हैं। एक लोग गोडाउन वाइज स्टॉक मेंटेन करते हैं और दूसरा स्टॉक लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के हिसाब से मेंटेन करते हैं। मतलब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि मेरे सिस्टम में कुछ और है, मेरे गोडाउन में कुछ और पड़ा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो कैसे करेंगे? अगर ये मानो कि मेरे पास 100 पीस पड़े हैं कंप्यूटर में और गोडाउन में पड़े 90 पीस, कैसे चलेगा, चल पाएगा? तो उसके लिए फिजिकल स्टॉक को मेंटेन किया जाता है। क्या किया था, जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने एक नई आइटम बनाई, मैंने दिखा दिया कि इस आइटम का स्टॉक मेरे पास कम है, मेरे कंप्यूटर में स्टॉक कम है। आइटम नाम दे दिया मैंने, आइटम 01 नाम दे देता हूँ। मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे पास स्टॉक कम है, मैंने बोल दिया मेरे पास 100 रुपये की पीस है और ओपनिंग क्वांटिटी में 90 डाल दिया। कितना डाल दिया? 90 आ गया और मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, हो गया। ये मेरे कंप्यूटर का स्टॉक 90 था, मैं गोडाउन में गया तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर सर 100 पीस है हमारे गोडाउन में, लेकिन अभी तो हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। लेकिन होता क्या है, जब हम एक ईयर से दूसरे ईयर में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो बीसी ओपनिंग बैलेंस डालना मना कर देता है, कि कहता है कि यू कांट बी चेंज ओपनिंग बैलेंस बिकॉज कैरी फॉरवर्ड होकर आता है बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड को हम तो चेंज नहीं कर सकते। तो बीसी उस समय में दिक्कत करता है, कहता है कि आप बैलेंस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो बैलेंस आ रहा है वो पीछे से आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 31 तारीख को कंपनी बंद हो जाती है और जो उस दिन बैलेंस होता है वो नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, आपका ओपनिंग बैलेंस, प्रॉब्लम आ जाती है। देन तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल स्टॉक को मेंटेन करते हैं। अगर हमें स्टॉक बढ़ाना है तब भी हम फिजिकल स्टॉक की मदद लेते हैं। हम जैसे इंटर मारेंगे, सबसे पहले इंटर मारोगे थोड़ा सा ये टाइम लेता है ओवरऑल कंपैरिजन वाउचर खुलने में, क्योंकि इसको स्टॉक से रिलेटेड अपने अंदर ही बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, सबसे पहले कि जो आप स्टॉक कम करोगे उसका कोई वाउचर नंबर देना चाहते हो, मैंने बोल दिया वाउचर नंबर ये, किस दिन आपको स्टॉक कम करना है या बढ़ाना है वो डेट डाल दो, मैंने बोल दिया 1/7 को स्टॉक कम भर्ती करना है। देन कहाँ रखोगे माल बढ़ा के, तो मैंने बोला मेन स्टॉक पे। एंट्री कहाँ से करना चाहते हो, मैंने बोला स्टॉक जनरल, जो भी स्टॉक बढ़ाऊँ या खत्म करूँ उसकी एंट्री ऑटोमेटिक कहाँ से हो जाए, स्टॉक जनरल से। इस पर एंटर मारो, क्लियर। जैसे आप इस एरो से नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये मिलेगा आपको यहाँ से आइटम। देखो यहाँ मेंशन कर दिया कि बुक स्टॉक वैल्यू 90 पीस, बट करनी कितनी मुझे 100, तो जितनी करनी उतनी डाल दो, 10 पीस अपने आप ऑटोमेटिक प्लस कर देगा। लेजर में कुछ फर्क नहीं, तो ये मेंशन कहाँ से होगा भाई, इतने पीस कहाँ से आए? वो स्टॉक जनरल से ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। अच्छा, स्टॉक जनरल में एंट्री होगी, ये क्रॉस एंट्री अपने आप मार देगा, हो गया। अगर मुझे कम करनी होगी तो अगर मुझे 80 करनी है तो देखो मैं 80 करूंगा तो 10 माइनस कर देगा फिजिकली, तो ये लेकिन 10 ज़्यादा है ना हमारे पास। हाँ तो 10 मेरे पास फिजिकल गोडाउन में 80 है ना, बुक में कितने हैं 90 है, तो ठीक है एडजस्ट हो जाएंगे बुक्स में। और वाइस वर्सा हो, यहाँ पे आप जैसे बता रहे थे अभी यहाँ पे 100 और यहाँ पे 90 है, तो आपके पास फिजिकल 10 है तो उसको ये एडजस्ट तो बुक में कर देगा, ठीक है बढ़ा देगा, ठीक है लॉजिक क्लियर, ठीक है। तो आप इसको जैसे सेव करोगे आपका स्टॉक को ऑलरेडी बढ़ा के दिखा देगा। कोई नहीं पड़ेगा, आप ओल्ट आई करके आइटम का लेजर देख लो, आप इजीली देख सकते हैं। यही आपका फिजिकल, और आप इसके अगर एंट्री देखोगे तो आपके फिजिकल स्टॉक में एक एंट्री मेंशन करेगा। This voucher is generated through a physical stock voucher number. This date is quantity consumed. Quantity consumed होगी क्योंकि मैंने 80 की 90 को 80 कर दी, उसकी वैल्यू भी तो कम होनी चाहिए ना हमारी बैलेंस शीट में, उसको कुछ बिल्कुल। अगर आप स्टॉक वैल्यू ऑफ आइटम करेंगे देन सी आउट हो गई, मैंने वो वैल्यू डाली नहीं ना, अगर वैल्यू डाल देता देन वो ऑटोमेटिक कम कर देगा, क्लोजिंग स्टॉक मुझे कम कर देगा।
आपको कुछ नहीं करना यार, बस एक माइंड में नोटिस करके चलना है जितना मुझे स्टॉक है ना, मुझे यहाँ शो कर देना बस, जैसे अपने आप बैलेंस कर लेगा उसका काम है निजी का, वो आपको कैसे करके देगा, बट आपको देखना ही इसी तरीके जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, उतना डाल दो ठीक है। एक दिन में एक बार एंट्री कर सकते हैं, एक दिन में दो बार फिजिकल स्टॉक की एंट्री नहीं मार सकते, मॉडिफाई करके उसमें डाल दो ठीक है। फिजिकल स्टॉक आप कई तरीके से मेंटेन कर सकते हो, बीसीएन वाइज भी कर सकते हो, सीरियल नंबर वाइज भी कर सकते हो, बैच नंबर वाइज भी कर सकते हो, पैरामीटर वाइज भी कर सकते हो, आइटम वाइज तो समझ आ गया। हाँ लेकिन जैसे आप बहुत से हमने देखा होगा पैरामीटर वाइज रोल आते हैं हमारे पास, कोई रोल हमारे पास हमने बेच दिया उसको यहाँ से लेस नहीं कराओ, मतलब मैं आपको सिखा दूंगा ये धीरे धीरे, बट आप समझ लो फिजिकल स्टॉक का बेसिकली यूज क्या है आपको बता ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था कि जिसमें हम फिजिकल स्टॉक के बारे में हमने सीखा है।